2019 के चुनाव नतीजों से दो हफ्ते पहले जी न्यूज पर प्रधानमंत्री का दावा, 23 मई को नतीजों के बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने जी न्यूज से कहा, देश में 2014 से बड़ी लहर मौजूद है, पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। जी न्यूज संपादक सुधीर चौधरी से खास बातचीत में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मोदी लहर से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं जिससे उड़ ना जाए। जी न्यूज से बातचीत के दौरान पीएम मोदी का ममता पर भी वार, कहा वो पाकिस्तान के पीएम को मानती हैं लेकिन हिंदुस्तान के पीएम को नहीं, ये संवैधानिक खतरा है। पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल और यूपी में 5 चुनावी सभाएं, बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया में के अलावा यूपी के आजमगढ़, जौनपुर और प्रयागराज में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज यूपी के श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर में जनसभाएं, वाराणसी भी जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की आज यूपी और पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी सभाएं, यूपी के प्रतापगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल के रामनगर, मथुरापुर और कोलकाता में करेंगे रैली। पीएम मोदी के बाद आज दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे मेगा रैली, हरियाणा के सिरसा और एमपी के बीना में भी करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज यूपी में 2 रैलियां करेंगी, प्रतापगढ़ और जौनपुर में रैली के अलावा सुल्तानपुर में रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिका में राहुल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई। राहुल के खिलाफ बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर गृह मंत्रालय पहले ही नोटिस जारी कर चुका है, राहुल को 15 दिन में जवाब देना है। दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार दिलाने की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, संविधान के अनुच्छेद 62(5) को चुनौती दी गई है। दिल्ली की रैली में पीएम मोदी का गांधी परिवार पर बड़ा हमला, कहा राजीव गांधी ने 10 दिन तक आईएनएस विराट में छुट्टियां मनाई, ससुराल के लोगों को भी बुलाया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल पर भी निशाना साधा, कहा दिल्ली के नाकामपंथी देश बदलने आए थे लेकिन खुद ही बदल गए, आयुष्मान भारत को अपने राज्य में लागू ही नहीं किया। चुनाव के नतीजों से 2 दिन पहले 21 मई को विपक्षी दलों ने अहम बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक का नाम दिया गया है। चुनाव आयोग ने शुरू की कंप्यूटर बाबा के प्रोग्राम की जांच, बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई, भोपाल में दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार का आरोप। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान का नागरिक पकड़ा गया, बीएसएफ ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। ओडिशा में फोनी तूफान से मारे गए लोगों की गिनती 41 तक पहुंची, भुवनेश्वर में 4 और नागरिकों की मौत, बिजली और संचार सेवाएं अभी तक प्रभावित। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की एक और जमानत याचिका खारिज की, 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक जेल में ही रहेगा। रुद्रप्रयाग में खुले बाबा केदार के कपाट, रात से ही लगा श्रद्धालुओं का तांता, पहले दिन करीब 4,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। अलवर गैंगरेप केस में 5वां आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश, नाराज लोगों का प्रदर्शन जारी, अलवर से मौजूदा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल। पुणे में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की झुलसकर मौत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वक्त है, इस वक्त